लखनऊ के नवाब हैदराबाद के दम बिरयानी को अपने सामने टिकने नहीं दिया। ये होता क्या यार, सोचे थे कि हाई स्कोरिंग होगा मैच, लेकिन लखनऊ वालों ने तो हैदराबाद को ऐसे कुचुंबर निकाला कि हैदराबाद के बैट्समैनों ने कोई चला ही नहीं और सारा मजा किरकिरा हो गया। पहली बात कि हैदराबाद का कोई भी बैट्समैन लल्लू साबित हो रहा है, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ हो, इसीलिए वो स्कोर भी नहीं कर पा रहे हैं और लो स्कोरिंग मैच भी करा दिए, जिससे सारा मजा किरकिरा हो जा रहा है। पर क्या करे भैया, लखनऊ की टीम ने तो बाजी मार ली और 3 मैचों में 2 मैच जीतकर टॉप के लिस्ट में पहले नंबर पे आ गई है। तो इस मैच में ऐसा हुआ कि पहले हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इस साल आईपीएल के सीजन में पहली टीम हुई जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और बल्लेबाजी तो करने आए, लेकिन मयंक अग्रवाल फिर वैसा ही साबित हुआ। हालांकि इससे पहले जब वो पंजाब में थे तूफानी तो मचाते थे, लेकिन जब से हैदराबाद में आए हैं वो भी कमजोर सा साबित हो गए और पहले भी विकेट मार्ज उनकी 21 रनों पे गिर गई। लेकिन पारी को संभाला अनमोल प्रीत सिंह और राहुल त्रिपाठी, लेकिन यह भी मामला ज्यादा देर तक टिका नहीं और कुणाल पांड्या ने अनमोल सिंह प्रीत को LBW कर दिया और उसके बाद से आए कप्तान एडम माक्रम और कप्तान एडम माक्रम को पहली बॉल पे उन्हें भी चलता कर दिया और सारा उम्मीद हैदराबादियों का एडम माक्रम पे था जो पहली बॉल पे आउट होकर चले गए। उसके बाद राहुल त्रिपाठी भी कुछ ज्यादा खास नहीं किया, उन्होंने भी 41 से 35 रन बनाकर आउट हो गए। इससे यह पता चलता है कि देख लीजिए क्या इनका स्ट्राइक रेट रहा। और इस तरह से हैदराबाद की टीम ने टोटल 20 ओवरों में 8 विकेट गंवा दी और मात्र 121 रन बना सकी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 122 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें कुणाल पांड्या ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए, तो वही दूसरी तरफ अमित मिश्रा ने भी 4 ओवर में 23 रन देकर उन्होंने भी 2 विकेट लिए और उनके साथ साथ रवि बिश्नोई ने भी 1 विकेट लिए। और जब बैटिंग करने आए KL राहुल और काइल मायर्स, तो उनको तो यही लगा होगा कि इस मैच को हम 14 ही ओवर में तक खत्म कर देंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा रन चेस को उन्होंने इतनी आसानी से काम किया तो उनको तो एक हलवाई लगा होगा। लेकिन 2 मैच से चल रहे काइल मायर्स की तूफानी बल्लेबाज से तो हैदराबाद को यही लगा होगा कि इस मैच को तो बहुत ही आसानी से जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन इस मैच में काइल मायर्स ने ज्यादा कुछ खास नहीं किया और 13 रन बनाकर उन्होंने जल्दी ही आउट हो गए। फिर आए दीपक हुड्डा, हुड्डा से तो काम होता नहीं, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उस पर उम्मीद लगाई बैठी है वो कुछ अच्छा करे, लेकिन इस मैच में भी अच्छा नहीं किया और मौज 8 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार के शिकार हुए। और पारी को संभाले कुणाल पांड्या, जो इस मैच में 3 विकेट पहले ऑलरेडी ले चुके थे, और KL राहुल और कुणाल पांड्या ने भी 34 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन एक तरफ टिके हुए थे कप्तान KL राहुल, हालांकि जैसा पारी खेलना चाहिए तो वैसे उन्होंने खेला, लेकिन उन्होंने भी 35 रन बनाकर आदिल राशिद के शिकार हुए और एंडिंग की है निकोलस पुरन ने इस मैच को छक्के मारकर अपने टीम को जिताया और इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 16 ओवर में 5 विकेट खोकर इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया और पॉइंट टेबल में अपने टीम को टॉप लिस्ट में पहुंचा दिया। तो हाय दोस्तों, आप लोग यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं और अगले वीडियो में इसी जो जुर्म के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।